बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज कराची समेत सूबा सिंध के अक्सर बेशतर इलाकों का मौसम गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत थोड़ा ज़्यादा गर्म महसूस हुआ। समंदरी हवाओं की रफ़्तार में भी थोड़ी कमी वाक़ हुई है। आज ख़ास कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। हवाओं में नमी का तनासब ज़्यादा होने के बायस गर्मी और हफ ज़्यादा महसूस हो रही है। बाद कराची के इलाकों में समंदरी बादल भी गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कराची के किसी भी इलाके में बारिश के कोई खास इम्कान न बन सके। साथ ही साथ सूबा सिंध के दूसरे इलाकों में भी आज के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर गया। आज शाम रात के दौरान भी कराची समेत सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल गर्दिश करते रहेंगे और समंदरी हवाएं भी बरकरार रहेंगी। लेकिन एक और अहम ख़बर से आप सबको आगाह करते चलें कि कल यानी 18 जुलाई के रोज़ मुमकिन आने वाला मानसून सिस्टम के ज़ेर असर समंदरी हवाएं कट ऑफ होने की तवक्को है, और साथ ही साथ कल और परसों के दौरान पसीने वाली गर्मी पड़ने का इम्कान है। दो दिन बाद यानी 20 जुलाई की शाम रात से बारिश बरसाने वाला मानसून ताकतवर सिस्टम सूबा सिंध में दाखिल होगा, जिसके बायस कराची हैदराबाद समेत सूबा सिंध के तकरीबन 90% इलाकों में शदीद गरज चमक तेज़ हवाओं और आंधियों के साथ तेज़ से मौसलाधार बारिशों की तवक्को है। और बारिश का नया सिस्टम 29 से 30 जुलाई तक बरकरार रहेगा। 20 जुलाई के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस शदीद मौसमी हालात पैदा होने का खदशा है। 20 जुलाई के बाद आने वाले नए सिस्टम की वजह से कराची तक कश्मोर अच्छी खासी बारिशें रिकॉर्ड हो सकती हैं और बाद इलाकों में बिजलियाँ गिरने के भी वाकियात रोनुमा हो सकते हैं। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके एहतियात करें। मजीद मौसम के हवाले से, बारिश के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वेदर इन्फो, और मजीद मौसम के हवाले से लम्हा बा लम्हा बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल वेदर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।